शहीदों के सम्मान में मंगलवार शाम शहर के आदर्श स्टेडियम में थार के वीर आओ करें सलाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में थार के वीर शहीदों के परिवारों का सम्मान किया गया। इस दौरान बीएसएफ, सेना, वायुसेना, पूर्व सैनिकों के साथ ही हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहा। कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि एवं कीर्ति चक्र विजेता नरेंद्र धरनाथ दुबे अध्यक्ष के रूप में शिरकत की। थार के वीर शहीदों के सम्मान में मंगलवार शाम बाड़मेर शहर के आदर्श स्टेडियम में थार के वीर आओ करें सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। मंगलवार सुबह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। शाम 4 बजे आदर्श स्टेडियम में कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि एवं कीर्ति चक्र विजेता व बीएसएफ डीआईजी नरेंद्रनाथ धर दुबे बतौर अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा मेजर जनरल एनएस राजपुरोहित, आरपीएस अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी, बीएसएफ डीआईजी गुरपाल सिंह, बाड़मेर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी भी कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद रावत त्रिभुवन सिंह ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा एवं उद्देश्यों के बारे में अतिथियों एवं आम जन को जानकारी दी। सभा का संचालन करते हुए जफर खान सिंधी ने मंगलवार तड़के भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक की जानकारी देते हुए इस कार्रवाई की प्रशंसा की। मंच को नवाजे दीप सिंह भाटी रणधा। आपके साथ ये संपूर्ण आयोजन के संरक्षक रावत त्रिभुवन। सभा को संबोधित करते हुए परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव एवं कीर्ति चक्र विजेता नरेंद्रनाथ धर दुबे ने अपने स्मरण बताए। साथ ही उन्होंने एक जवान की जिंदगी से जुड़ी बातें भी बताई कि किस कदर वह परेशानियों में अपनी जिंदगी गुजार देता है इस देश की हिफाजत करते करते। उन्होंने जवानों के जज्बे को सलाम करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और युवाओं से राष्ट्र सेवा और राष्ट्र सुरक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। नहीं, ये 4 तालियां बजा के एहसान मत कीजिए, आपकी भरपूर तालियों के साथ बहुत आभार। मैं निवेदन करना चाहता हूँ राशि डोगरा साहिबा, राम जी को मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और स्वधर्मों का धार्मिक बलिदान बताने आया हूँ। सुन माने क्या दुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। जो भी यहाँ आज मेहमान के रूप में आप लोग पधारे हैं, हमारे यहाँ ये जो सही परिवार, ये जो जिन्हें गारंटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर हमने कोशिश करी है कि लगभग सभी को हमने यहाँ बुलाने की कोशिश करी है। ये वही बाड़मेर है जिसे अशोक चक्र से, महावीर चक्र से, सारे चक्र से, हर तरह के सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बीएस राठौड़, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद बाड़मेर के अध्यक्ष कैप्टन हीर सिंह भाटी, रावत त्रिभुवन सिंह, कार्यक्रम संयोजक रघुवीर सिंह तामलोर सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को अमर बताया। व्यापक स्तर पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाड़मेर जिले के विभिन्न गांवों के साथ ही अन्य जिलों से भी सैकड़ों लोग बाड़मेर पहुंचे। इस अवसर पर नगर परिषद उप सभापति प्रीतम दास जीनकर, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, बालसिंह राठौर, प्रदीप राठी, प्रेमाराम भादु, मनोहर बंसल, अब्दुल रशीद खान, सोनाराम जाट, दमाराम माड़ी, उदयराम मेघवाल, दीपक कड़वासरा, अम्बालाल जोशी, हीरालाल खोरवाल, आदिल भाई, ओम प्रकाश चांडक, अबरार मोहम्मद, दीप सिंह बाटी, चंद्र प्रकाश गुप्ता सहित हजारों लोग उपस्थित रहे।